कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तराखंड में फंसे नेपाली बेहद परेशान हैं। उधम सिंह नगर में क्वारंटाइन सेंटरों में काफी दिनों तक रुकने के बाद ये खटीमा पहुंचे, लेकिन नेपाली नागरिकों की उम्मीदें तब और टूट गई जब नेपाल द्वारा उनकी एंट्री पर बैन होने की बात चली। उधम सिंह नगर के क्वारंटाइन सेंटरों से छोड़े गए इन नेपाली नागरिकों को चंपावत सीमा पर प्रवेश नहीं दिया गया। नेपाल सरकार द्वारा भारत के बनबसा बॉर्डर के रास्ते किसी भी नेपाली नागरिक को प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते ये लोग खटीमा की सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। हमारा जो टीम है ना, तीन जगह का है, एक अर्घाची का है और सप्तरी का है और उदयपुर का है, और हमारा जो टीम में जो है 19 आदमी है और हम सब लोग एक ही जगह में रहते थे, एक ही जगह में यानी कि काम करते थे। और हम लोग को वहाँ अभी रुद्रपुर के जो है राधा स्वामी आश्रम, वहाँ पे हम लोग बैठ के वहाँ से सर्टिफिकेट देने के बाद हमें वहाँ से भेजा गया है। और वहाँ पे बोल रहा था कि तुम लोग जाओ वहाँ पे सही सुरक्षित जा सकते हो, लेकिन नेपाल सरकार नहीं ले रहा है, तो हम लोग कैसे लावारिस पर है, तो हमें नेपाल सरकार जल्द से जल्द ले, क्योंकि हम लोग बहुत लाचार हो चुके हैं यहाँ पे। देखिए, जो नेपाली हमारे यहाँ क्वारंटाइन किए थे और जो है कि आज शिविरों में रखे गए, ऐसे मेरा मानना है कि उन लोगों को जब तक उनके जाने की परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती, जब दोनों देशों की जब तक बात नहीं जाती, सीमा खुल नहीं जाती, तब तक उन्हें राज शिविरों में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने DM जिलाधिकारी और जिलाधिकारी दोनों से फोन पर वार्तालाप करी, तो दोनों ने यही कहा कि जब तक वो लोगों के जाने की व्यवस्था नहीं होती, तब तक राज शिविरों में उन्हें रखकर उन्हें